देखो यार, जब आपने ए लिखना है ना, तो आपने अपनी मार्कर को ना इस तरह से पकड़ना है, ओके। फिर आपने ना इस तरह से इसको लिखना है, ऐसे करके। ऐसे कर लिया। अब आपने ना एक चाय जिसकी एक चीज़ ना इसकी ऐसे यूं करना है, ताकि इसकी जो दूसरी चीज़ है ना वो ज़रा मोटी बने। इसको ऐसे करके ऐसे ए बी को आपने इस तरह से लिखना है। फिर इसकी इसको इस तरह से कर लेना, इसके टाक को, ताकि ये चीज़ इसकी बारीक लिखी जाए। डी को भी आपने इस तरह से लिखना है। सी जो होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और एक चीज़ जो पी होता है ना, छोटा पी, उसको हमने इस तरह से लिखना है, ऐसे करके ना, तो ऐसे करके, तो ऐसे। जो छोटा ए होता है ना, आपने पहले उसको यूं गोल बना लेना है, ऐसे गुलाई करके, देन उसको ऐसे, ठीक है। जो क्यू है ना, उसको भी ऐसे पहले गोल सर्कल बना के, फिर ऐसे। और अलीफ जो है ना, वो आपने ऐसे लिखना है, अपने टक को ऐसे करना है, फिर आपने ऐसे, ठीक है। और बे जो है ना, वो आपने ऐसे लिखनी है। बे की कहते हैं कि जिस तरह हम आजकल वैसे वैसे जो बच्चों को जो बे लिखवाते हैं ना, वो हम ऐसे डॉट पे लिखवाते हैं ना, इसको इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ मिलाएं, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करें। ये जो बे है ना, ये गलत है, क्योंकि बे ये ना इस तरह, फिर इसकी गुलाई ज़्यादा बन जाती है। हमने बे की गुलाई नहीं करनी, जितनी कम हो सके उतनी बनानी है, बे की हमने गुलाई बिल्कुल नहीं करनी। ऐसे लिखना है, बहुत ही कम गुलाई करनी है आपने, बे की बिल्कुल नहीं करनी। ऐसे ये वाली बे सबसे अच्छी है, ठीक है। और जब जीम लिखना है ना, तो ये जो सिरा होता है ना, ये बहुत ही आपने छोटा सा पहले बनाना है, फिर ऐसे करके ऐसे करना है, ताकि ये जो चीज़ है ना, ये इसके साथ मिले, ठीक है।